Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and this video is about entropy, which is an important terms of thermodynamics. So here we discuss some terms of entropy in introduction, various type of disorder, example of disorder, definition and expression of entropy, importance of entropy in geochemical thermodynamics, application of entropy, conclusion. So first we discuss introduction. What is entropy? The word entropy is sometimes confused with energy, although they are related quantities, but they are distinct. कभी कभी लगता है कि एंट्रोपी एक एनर्जी का टर्म है, तो ये रिलेटेड हैं आपस में, एंट्रोपी एनर्जी से रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं, और एनर्जी मेजर्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू डू वर्क, दिस इज आल्सो नोन एज एंट्रोपी. ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम. कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर में है वो उसका एंट्रोपी होता है. व्हाट डिसऑर्डर रिफर्स टू इज रियली द नंबर ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी इन गिवन दैट द सिस्टम हैज़ अ पर्टिकुलर फिक्स कंपोजिशन. कोई भी सिस्टम का एक पर्टिकुलर फिक्स कंपोजिशन होता है, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर एंड टेम्परेचर. So by microscopic states we mean that the exact state of all the molecules making up the system. So microstate system का मतलब है कि ऐसे states जो molecules के define करें और पूरे system को form करें. जैसे कोई भी system एक पूरे molecule से बनता है, और pressure, temperature, volume, energy ये सारी microstate property. एंट्रोपी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के इंटू लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स. दिस इज द एंट्रोपी एस इक्वल के लॉग एन. दिस इज द फेमस रिलेशन एंड ऑल्सो द कनेक्शन बिटवीन द एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी विच इज जनरली यूज इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. एंट्रोपी द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज is a thermodynamic property and a quantitative measure of disorder. Entropy एक disorder का measurement है. Entropy traced out its origin, molecular moment, interpretation, and this given by Rudolf Clausius in 1850. Molecular moment का interpretation भी हम कर सकते हैं entropy के through. Entropy ये बताता है कि molecule का moment किस तरह से होगा. द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी गिव्स द थर्मोडाइनमिक लॉज, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. इट कैन बी यूटिलाइज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, हीटिंग, मिक्सिंग एंड रिएक्शन. सो एंट्रोपी को हम विजुलाइज कर सकते हैं इन प्रोसेस में भी, एक्सपेंशन में, हीटिंग में एंड मिक्सिंग में, रिएक्शन में, क्योंकि इन सब प्रोसेस के दौरान ऑर्डर चेंज होता है, डिसऑर्डरनेस आती है. सो देयर इज एंट्रोपी. एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विथ हीट एंड टेम्परेचर. सो ऑलवेज विथ हीट ट्रांसफर देयर इज एंट्रोपी. सो इट डिपेंड ऑन द हीट एंड टेम्परेचर. वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. Entropy reflect the degree of disorderness. Disorderness can be pointed out in three different types. तीन different type के disorderness हो सकते हैं. जैसे position disorder, ये तब होगा जब atom are free to move or not. Atoms कितना free है move होने के लिए, कितना नहीं है. जितना ज़्यादा atoms free होंगे move के लिए उतना ज़्यादा system disorder होगा और उतनी ही ज़्यादा entropy होगी. Vibrational disorder, that is thermal disorder. Whether the atoms vibrate about an average position, there is an vibrational disorder. And third is configurational
disorder. This refers to the distribution of different atoms or sites in the lattice. तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो लैटिस के अंदर होता है सॉलिड स्टेट. एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर्स, सो दिस आर द एग्जाम्पल. दिस इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन सॉलिड द आइटम आर अरेंज इन मैनर and in the liquid some randomness and in the gas there are much more randomness. So there is increasing entropy from solid to gas because disorderness is increasing, and from gas to solid entropy decreases. तो अगर कोई पूछे कि solid की entropy ज़्यादा होती है या gas की ज़्यादा होती है या liquid की होती है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है. द कंपैरिजन ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हाईली ऑर्डर्ड. Crystalline solid is highly ordered and has a very low entropy because its disorderness is low. The liquid has a higher entropy because it is less ordered, but all the particles are still found at one end of the container. The gas has the highest entropy because the particles are randomly distributed throughout the entire container. So clear? Solid has lesser entropy. लिक्विड हैज़ मोर एंट्रोपी एंड गैस हैज मच मोर एंट्रोपी. सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी. सो दिस शोइंग वन बॉक्स एंड दिस इज द सेकेंड. इन वन बॉक्स ऑर्डरनेस, दिस शोइंग द ऑर्डरनेस ऑफ द आइटम्स. सो इन द बॉक्स वन लेस एंट्रोपी एंड हियर this is the randomness of atom, so shows this orderness and therefore entropy increases, so more entropy. So in box 2 more entropy. Definition and expression of entropy. Entropy may be defined as the property of a system which measure the degree of disorder or randomness in the system. सो एंट्रोपी को हम किसी सिस्टम के इस प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो मेज़र करता है उस सिस्टम के डिसऑर्डर को या रैंडमनेस उस सिस्टम के. तो एंट्रोपी किसी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को बताता है. जो सिस्टम जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, उसकी एंट्रोपी उतना ज़्यादा होती है. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. It is denoted by the symbol S. Clausius was convinced of the significance of the ratio of heat delivered and the temperature at which it is delivered. तो क्लासियस ने एक रिलेशन दिया था कि एंट्रोपी इज अ रेशियो ऑफ हीट डिलीवर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज डी क्यू बाई टी और सिंपली क्यू बाई टी. सो दिस इज एंट्रोपी इक्वल क्यू बाई टी. दिस गिवन बाय द क्लासियस. Entropy is the sum total of entropy due to position order, vibration disorder and the configurational disorder, that is randomness due to change of state. When a system is undergoing change, the entropy change is equal to the heat absorbed by the system divided by the temperature at which change taken place. So delta S equal S2 minus S1 integration over dQ by dt, or simply we can write as a TdS equal dQ. This is the second law expression, thermodynamics second law expression. Suppose the process is undergoing change at constant temperature. From first law we know that
the change in internal energy is equal to Q minus W, also we can express as, and dW is nothing but the P dot dV, P into dV. At constant temperature, delta E, changing internal energy is zero, therefore dQ equal PdV. And from second law, we know that the dQ equal TdS. So on comparing these two relation, this and this, we can write as TdS equal to PdV, or simply delta S equal to PdV upon T. Suppose the process is undergoing change at constant pressure condition, then we can write T delta S equal QP. P is for at constant pressure, but we know that this Q is for 1 mole of a gas is equal to Cp dT, that is a Q equal mCp dT. So simply dT, so here m is equal to 1, so Q equal Cp dT. And comparing both relation, this and this, we get TdS equals Cp dT, or by integration putting the limit from 1 to 2, so this is the relation between entropy and temperature. So this is the entropy change of system at constant pressure condition from room temperature to the reaction temperature, where room temperature is the T and reaction temperature is T2. Importance of entropy in geochemical thermodynamics. The aim of thermodynamical mix in chemical geochemical term is to generate a set of properties which help us to predict the direction of chemical process. तो एंट्रोपी हमें डायरेक्शन बताती है किसी भी केमिकल प्रोसेस का, कि वो हायर टू लोअर होगा या लोअर टू हायर होगा, या किस डायरेक्शन में होगा प्रोसेस, किधर की तरफ होगा, ये सारी चीज़ें एंट्रोपी के थ्रू हमें पता चलती हैं. सो यह एक इम्पॉर्टेंट है एंट्रोपी का इम्पोर्टेंस. द सेकेंड लॉ स्टार्ट्स विद सिंपलेस्ट टर्म इज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन एवरी नेचुरल प्रोसेस. सो एंट्रोपी can be created but not destroyed, so we can say that the entropy is always increases naturally. The degree of order or disorder in a system may be described in terms of probability or improbability of the observed state. Or entropy ke disorder ko hum probability ke term mein bhi define kar sakte hain ya describe kar sakte hain. Jo pehla relation tha hamara S equal to K log N, here n is the probability and s is entropy, so this relation gives the entropy can be described in terms of probability. Here k is the Boltzmann's constant. With the statistical concept of entropy, the possible application of geochemical system becomes recognizable. For example, the distribution of energy in geomorphic system is one way of expressing the relative elevation of particles of water and sediments etc. in the evolution of landscape. It is noted that all natural processes are spontaneous, unidirectional, that is increasing where there is an increase in randomness. Increase in randomness. सो लगभग सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं. स्पॉन्टेनियस मतलब एकाएक कुछ हो जाना. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे कोई किसी चीज़ को हम हीट करेंगे तो वो गर्म होगा, ऐसा नहीं है कि कभी एकाएक हुआ कि हीटिंग करते करते एकाएक ठंडा होने लगे. तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अगर वो ठंडा हो रहा है तो ठंडा ही होगा, एकाएक गर्म नहीं होने लगेगा.
जब तक कि हम सिस्टम के ऊपर कुछ ना करें एक्सटर्नल. दस दिस डिसऑर्डरनेस इन द जियोकेमिकल प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी. सो हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस हम किसी भी केमिकल प्रोसेस का डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी के कंसेप्ट से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ एंट्रोपी, एक्सपेरिमेंटल वर्क्स इन मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी एक्सेट्रा. थर्मो बैरोमेट्रिक मॉडल्स आर वेरियस थर्मोडाइनमिक फार्मूलाज आर इक्वेशंस बाय विच प्रेशर टेम्परेचर आर डिटरमाइंड. सो फ्रॉम एंट्रोपी देर आर मेनी थर्मोडाइनमिक इक्वेशंस एंड रिलेशंस इंक्लूडिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन डिटरमाइन. द मॉडल इज कैलिब्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. Thus, entropy is applied in the model to measure the disorderness of the system through temperature, pressure of the rock, and thermobarometry is thus an excellent case study when the application of thermodynamic parameter are involved. So this is an excellent case study when the application of thermodynamic parameters are involved. And thermodynamic parameters are already knows pressure, volume, temperature and entropy and some other also internal energy, Helmholtz function etc. Conclusion: entropy is the thermodynamic property which is a measure of disorderness in a system. It can expressed by S equal Q by T. Its term is defined by Rudolf Clausius. Entropy is mainly associated with heat and temperature. This also discussed earlier. Disorder can be of three types: positional disorder, vibrational disorder, and configurational disorder. The thermobarometric models is an excellent case study when the application of thermodynamic parameters are involved. It can also be concluded that when heat is transferred at a high temperature, entropy change is small, whereas when heat is transferred at low temperature, entropy change is greater. This relation S equal to Q by T. If the temperature is high, entropy becomes low, and when temperature is low, entropy changes. Can use here change in entropy, delta S equal Q by T. So at higher temperature there is low entropy, the change in entropy is small. There is no simple entropy, always use the term change in entropy. There is no meaning of a single entropy. When system is supplied, entropy increases, and when heat is removed, entropy decreases. So it is very important. When heat is supplied, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, और जब भी हम हीट को रिमूव करते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है. यानी जब भी हमारा क्यू इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. रिलेशन अभी हमने बताया क्यू बाई टी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्यू बाई टी. Entropy is not perceptible to our sense that there is no such instrument to measure this effect. So only change in entropy can be determined by computation. So simple entropy का कोई मतलब नहीं है, हम इसका केवल इफेक्ट मेजर करते हैं. ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएँ. सो हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं. इट इज़ यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम द सम स्पेसिफाइड आर्बिट्रेरी ऑफ टेम्परेचर ओनली. तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइंड होती है एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.